सोनू रावत। कैसा एग्जाम देखने को मिला? एग्जाम तो अच्छा है। अच्छा, कैसा आ रहा है? मैं तो ईजी आ रहा है। ईजी आ रहा है, तो टॉपिक बाय टॉपिक बात करते हैं। तो जीके की बात करते हैं, जीके में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बने? जीके में टॉपिक तो हिस्ट्री से बात करते हैं जी। हिस्ट्री से करते दो मतलब बातें गए थे, दिल्ली संसद से आया था और पॉलिटी में आया था, पॉलिटी में दो क्वेश्चन आए थे और साइंस से क्वेश्चन आया था, पित्त से संबंध कौन सा मतलब कौन सी किडनी से होता है, और बाकी बात विटामिन से आया था, विटामिन बी से आया था कौन सी कमी होती है, ठीक है। और बाकी करंट अफेयर के 6-7 क्वेश्चन, एक तो वो पूछा गया था जो अभी बिंजो गेम चल रहा है ना वर्तमान में, उससे पूछा गया था, वो खुद से संबंधित है वाला क्वेश्चन आया था। और बाकी इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में जो सिक्योरिटी वाला वो एंटोनम था, और जो एडियम फ्रेज वगैरह थे मतलब जो वाले था एडियम गेम से संबंधित था, और जो सेंटेंस वगैरह आते हैं ना एरर वगैरह थे तो वो कॉम्प्रिहेंसिव वूमेन से संबंधित वो था पैराजम्बल था। और बाकी बात करते हैं मैथ की बात करते हैं तो मैथ में दो क्वेश्चन तो टाइम बर्स से थे, और दो क्वेश्चन वो एलजेब्रा से थे, और दो क्वेश्चन वो ट्रिग्नोमेट्री से थे, और दो क्वेश्चन वहाँ से थे, क्या बोलते हैं उसे मेंसुरे से एक तो गोला का था और एलजेब्रा वो था एक्स प्लस वन बराबर मतलब 10 का पूछा गया था, तो उसका आंसर आया। मैथ में सबसे ज्यादा टॉपिक किसका आ रहा है? वो तो कुल मिला के दो एलजेब्रा दो क्वेश्चन मिला के दो आ रहे हैं, मतलब औसत का था, औसत का एक क्वेश्चन था, औसत क्वेश्चन था, और डाटा से क्वेश्चन आया था मतलब पूछा था प्राइज मूल से पूछा गया था। और बाकी रीजनिंग की बात करते हैं, रीजनिंग में आता थी यहाँ तक वो एनालॉजी से क्वेश्चन पूछा जाते, दो ब्लेड के क्वेश्चन आए थे, एक पांचा का नहीं आया, तो दो कोड़े बात आए थे, नॉर्मल रीजनिंग आई थी, नॉर्मल रीजनिंग आई थी, उसमें मतलब थोड़ा दो ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे वो कहे नंबर मैचिंग नहीं कर रहे थे मतलब। और ब्लड रिलेशन से? ब्लड रिलेशन से दो क्वेश्चन आए थे, एक तो सरल पूछा गया था कि वो जे मतलब पूछा गया था पत्नी का संबंध था उसमें, कैलेंडर घड़ी कोई क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन आया। और कोई जीके से क्वेश्चन रिलेटेड याद है? जी सर, वो जनगणना का आया था, दो शिशु जनगणना 2011 में कितनी रही थी पत्नी, शिशु जनगणना से क्वेश्चन आया था। ओके भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। और जिन लोगों का आने वाले शिफ्टों में एग्जाम, उनके लिए क्या कहना चाहते हो आप? उनके लिए सर जी कहना चाहता हूँ, जो भी प्रिपरेशन है थोड़ा मतलब करंट अफेयर पढ़ के आया, करंट अफेयर 6-7 नंबर गया, 5-6 नंबर गया है, तो सबसे ज्यादा करंट अफेयर करंट अफेयर। ओके भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। नाम क्या भाई आपका? विनय रावत। कैसा एग्जाम देखने को मिला? एग्जाम का लेवल पिछली बार से थोड़ा अच्छा था मतलब, और जैसे हम SSC के सभी एग्जाम्स देख रहे हैं सबका लेवल बढ़ गया आ रहा है, जैसे CGL का भी थोड़ा लेवल अब तक पिछले साल से, जैसे कि हमने और भी एग्जाम्स देखे, CGL का देखा तो उसमें भी मतलब उसका भी लेवल पिछले साल से थोड़ा सा अच्छा था, और इस बार CHSL का भी लेवल अच्छा था, और वैकेंसी कम है तो उस हिसाब से लेवल देना ही था अच्छा। और जैसे रीजनिंग की बात करें हम, तो रीजनिंग में हमें कुछ क्वेश्चंस पिछली बार से बिल्कुल अलग देखने को मिले, हाँ मतलब जैसे कि जैसे कोडिंग रिकॉर्डिंग के क्वेश्चंस थे तो वैसे, और अल्फाबेटिक सीरीज का क्वेश्चन थे तो उसमें मतलब पहले सीधे सीधे दिया तो उसमें नंबर और इस बार अल्फाबेट मिक्स दिए हुए थे, क्वेश्चन ऐसा था। हाँ, और रीजनिंग में मतलब डाइस से कोई क्वेश्चन नहीं था, और कागज कटिंग का क्वेश्चन आया था क्या? नहीं आया था, कागज कटिंग का नहीं आया, एक मिरर का आया था, और एक अपना उसमें से स्टेटमेंट कैलकुलेशन वाला आया था, और बाकी के सभी मतलब नॉर्मल ही था। मैथ की बात करते सर, मैथ्स में दो क्वेश्चन सर्कल के थे, एक ट्राइंगल का था, दो एलजेब्रा के थे, दो ट्रिग्नोमेट्री के थे, एक एवरेज का था, और उसके अलावा फिर अर्थमेटिक में अपना दो क्वेश्चन अपने उससे थे प्रॉफिट एंड लॉस से, और टाइम वर्क से एक क्वेश्चन देखने को मिला था, एक पार्टनरशिप से देखने को मिला था, थोड़ा सा लेवल बढ़ गया था उसका मतलब, ये एक वर्किंग नॉन वर्किंग वाले पार्टनर जो होता है उस टाइप का क्वेश्चन था। और इंग्लिश में इंग्लिश का लेवल ठीक था मतलब, इतना ज़्यादा नॉर्मल था। ओके भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके। फ्रेंड, जुड़ जाइए आप मेरे यूट्यूब चैनल से, और आपको बता दें डेली एनालिसिस देखने को मिलेगा हर एक शिफ्ट का, हर एग्जाम का। तो फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़ जाइए, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया तो जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करें, और व्हाट्सअप का भी लिंक ग्रुप में दिया। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।